चलिए दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे चैप्टर का सवाल लगाएंगे जिसने परेशान करके रखा है बच्चों लोगों को। ठीक है, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बस आ, आ, बहुत ऊपर है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे ही आप इस लॉज ऑफ मोशन नामक चैप्टर का सवाल लगाते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा ऑब्वियस था, मेरे से तो हो जाना चाहिए था, बट होता नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है, श्रृंखला चालू की है हिंदी में, जिससे हम ऐसे ऐसे सवाल लेके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और हम जानेंगे कि हम क्यों ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं बाद में। चलिए दोस्तों, तो ऐसा एक सवाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक कैपिटल एम मास है जो कि वेज है, उसके ऊपर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, ठीक। और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ दौड़ रहा है, ठीक। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मिनिमम एक्सेलरेशन ए, ताकि जो ये स्मॉल एम है कैपिटल एम पे स्लाइड ना करे, ठीक। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही हम इस तरह का सवाल देखते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि आप फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए कि आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, 5 सेकंड पॉज लीजिए और देखिए कि ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर होगा तो ये अगर ऐसा होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा। तो क्या हो रहा है यहां पर, स्मॉल एम जो है कैपिटल एम पे स्लाइड नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट कर रहे हैं, राइट। सो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एक्ट्स एज अ सिंगल मास, एक सिंगल मास की तरह एक्ट कर रहे हैं जिसका टोटल मास एम प्लस स्मॉल एम होगा। अब ठीक है, हमने बोल तो दिया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मायने क्या है। तो दोस्तों अगर ये एक ही मास की ऐसे एक्ट हो रहा है तो हर एक पॉइंट का कहीं पे भी इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी पॉइंट आप ले लीजिए उसका एक्सेलरेशन सेम ही होगा, ठीक। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल एम को स्मॉल ए से भगाया जा रहा है और उसके ऊपर स्मॉल एम रखा है जो कि हम बोल रहे हैं कि कैपिटल एम के साथ एक सिंगल मास है। तो अगर ऐसा है तो स्मॉल एम का भी एक्सेलरेशन स्मॉल ए ही होगा, ठीक। तो स्मॉल एम एक्सेलरेशन इज ऑल्सो स्मॉल ए ओनली। अब आप यहां पे देखेंगे कि जब इधर पे हम लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल एम स्लाइड नहीं कर रहा है कैपिटल एम में, तो दोस्तों इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन कैपिटल एम के साथ तो वो जा ही रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्मॉल ए एक्सेलरेशन है वो दोनों का है, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों का, ठीक। अब चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहां पर आप देखिएगा कि ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो दो पॉइंट हमने लिखे हैं यहाँ पे, दो बिंदु लिखे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारा प्रॉब्लम जो है इक्वेशंस की वजह से सॉल्व नहीं होगा। जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप इक्वेशन लिख ही नहीं सकते हैं ठीक से, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहां स्मॉल एम है, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये कौन सा फोर्स रहा दोस्तों, अलोंग द इंक्लाइन क्या रहता है, अलोंग द इंक्लाइन हमारा फोर्स रहता है एम जी साइन थीटा, ठीक। और दूसरा फोर्स क्या बोलेंगे आप, दूसरा फोर्स आप जो है यारा लगाएंगे, और एक फोर्स ये भी है, ठीक। ये वाला फोर्स क्या है, एम जी कॉस थीटा है, फाइन। और ये वाला फोर्स दोस्तों क्या है, ये फोर्स सरफेस से आ रहा है, इस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। और हमने अभी अभी डिस्कशन किया था कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा हॉरिजॉन्टल, जो कि ए ही है, राइट। और ये एंगल थीटा है। तो जिस तरह से दोस्तों आप लोग फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं उसी तरह से आपको एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट लेना है। कितनी बार हमने ये देखा है कि हम लोग झिझकते हैं एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए,
आप एक्सेलरेशन को एक वेक्टर के से ट्रीट करिए जैसे आप फोर्स को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आप फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं उसी तरह यहां पर इसको रिजोल्व करिए, ये ए कॉस थीटा हो गया और दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। ठीक, अब देखिए हॉरिजॉन्टली सिर्फ आपका एक ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टली एज इन अलोंग द इंक्लाइन आपका एक ही फोर्स है एम जी साइन थीटा। ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर देखेगा आप कि जो एक्सेलरेशन है वो आता है जी टेन थीटा के बराबर। ठीक, तो अगर आप इस एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं दोस्तों, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं और ये स्मॉल एम एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है जो कि स्मूथ है, तो ये स्मॉल एम जो है इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्लाइड नहीं करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट के ऐसे एक्ट करेगा जिसका मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम होगा। और क्योंकि एक मास है इसलिए स्मॉल एम का एक्सेलरेशन और कैपिटल एम का एक्सेलरेशन एक ही होगा। ठीक, तो इस तरह से हम दोस्तों और भी वीडियोस लाएंगे, आप जो है नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम लोग और डिस्कशन में इन्वॉल्व हों और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू।